तो जी, आज मैंने सोचा है कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ऐसे वीडियो का आगाज़ करूं। और सफाई कर ली थी मैंने, तो मैंने सोचा, अकेली ही खड़ी हुई थी, बच्चे जो थे ना अभी नहीं आए हुए थे स्कूल से, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूं, क्योंकि दिन इतने अच्छे लग रहे हैं, इतनी अभी ठंड नहीं है और धूप भी इतनी प्यारी निकली हुई है ना। तो यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर ली थी सहन की, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सफाई नहीं की थी, क्योंकि कल मैंने सारा इसको धोया था सहन को, और मुर्गियों को ना, बेचारियों को ना, आज मैंने बंद किया हुआ है। बंद यूं भी किया हुआ है कि आज मैंने सफाई की है, तो मैं सोच रही हूँ जरा एक दो दिन सहन को साफ रहने दूँ, क्योंकि फिर बार बार सहन धोती हूँ तो फर्श भी ठंडा हो जाता है, और मैं ये सोच रही हूँ कि इनको ठंड ना लग जाए, क्योंकि ईंटों वाला फर्श है तो इसलिए फर्श ठंडा हो जाता है। दिखाती हूँ आपको, मुर्गी बेचारी बंद है, देखें जी, बेचारी मुर्गी है ना, मुर्गा बिल्कुल दरवाजे के आगे खड़ा हुआ है कि हमें खोलो, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा ना, ये लोग अभी पिंजरे में ही बैठे रहे, क्योंकि मैंने इनको खाना वाना खिला दिया था, अब ये सुकून से बैठे हैं, लेकिन फिर भी इनको बेचैनी है कि हम लोग अंदर क्यों बैठे, और इधर हमारे मिठल सही वो अब मज़े से ना गैलरी में ना धूप सेक रहे हैं, और मैंने ना इस कमरे की सारी ना आज सारी सफाई की है, कमरे की सफाई उस दिन नहीं की थी, आज की है, क्योंकि सैन उस दिन साफ किया था, आज मैंने सारा बेड झाड़ा है, सारी बिस्तरें झाड़ू दिए नीचे बेड के नीचे से ना, सारी सफाई कर ली है, और धूप भी इतनी अच्छी निकली हुई है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ धूप का व्यू, सारी बेड के नीचे सफाई की थी, और ये देखेंगे मैं मिठल साई को आपको दिखा रही हूँ कि मिठल साई बड़े मज़े से ना धूप सेक रहे हैं, और अकेले में ना आवाज़ें निकाल रहा होता कि मुझे यहाँ अकेला क्यों बिठाया हुआ है। और ये माशाल्लाह से हमारे जो पौधे हैं, अल्लाह करे ये भी ग्रोथ हो जाए इनकी भी, ये वहाँ पे सारे देखे। अब मैं अभी धूप पे पानी नहीं दे रही, शाम में दूंगी, क्योंकि ठंड है ना इसकी वजह। पापा ने बोला कि आपने इनको हल्का सा पानी देना, क्योंकि कल हमने इनको ऑलरेडी पानी दिया था। पौधों को पानी भी लगा रही हूँ, कि शाम हो रही थी तो मैंने सोचा पौधों को पानी भी लगा रही। मिठल सही भी बैठा हुआ है ना इधर, है मिठल सही कहाँ कर लिए, मम्मा देख रहा था। चलो जी, बस मैंने सोचा कि ना मैं जरा मशीन भी लगा लूँ, क्योंकि धूप जो है ना बहुत ही अच्छी निकली हुई थी, चमकदार, और मैंने सोचा कपड़े आज मेरे माशाल्लाह से इतने जमा हुए पड़े ना, और ये देखो कपड़ों को कितना अंबार लगा हुआ है, और मैंने जो है ना मशीन चला दिया, और पानी यानी कि गर्म पानी से, चलो मोटर भी चलती रहेगी, ताजे पानी से कपड़े भी धुलते रहेंगे। और पता नहीं ये मिठल कहाँ है, मिठल को काफ़ी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, ये चीरों की आवाज़ से ना गुम हो रहा था, और मैं चलते फिरते खाना भी खा रही हूँ, ताकि जरा जो है मुझे भूख ना लगे, भूख से पहले ही खाना खा रही हूँ। ये मेरी है मकाई की रोटी, जो मैंने सुबह ही बना के रख दी थी, सुबह 8 बजे की रोटी बनी हुई, अभी तक नरम है, मजे की लग रही है। देखो पत्नी मिठल कहाँ है, वो देखो जी उसके काम, वो वहां घुसा हुआ है, और सारा इसने ना ये गमले जो है ना हमारे खराब कर दिए, उसके पर देखना कैसे गीले हुए पड़े हैं, बट्टी से मुझे लगता है उसके पाँव भी भरे पड़े, चेक करो जरा, खैर सारे इसलिए देख बट्टी से पाँव भरे हुए, हाय 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 मैं मर गई, ये देखो सारे इसे अपने पाँव जो है ना वो मिट्टी से सारे गीले किए हुए, और उसको ठंड भी लग रही है, अब इसके पाँव गर्म धुलवा के ना इसको पिंजरे में डाल के रखो, किसने तंग किया, वो बिस्तरों पर चढ़ गया मिट्टी वाले पाँव से, बहुत तंग किया, बहुत तंग किया मेरा, चल उधर पाँव।
पांव धो अपने, ठंड भी लग रही है, पांव सारे गीले, सारी पीछे पूछ सारी गीली हो गई है। चलो आप इसके पांव पर धो लो। हमने बोले सर्दी है गई, ठंड भी ना लग जाए इसको, हमने कपड़े से सारा साफ करके इसके पिंजरा जो है ना धूप में रख दीजिए, और धूप पिंजरे में जब डाल के रखो ना तो शोर भी करता है। सारी मेरी मेहनत थी ना, हमने मेथी उगाई हुई थी और सारी जो है ना इसने खराब भी कर दिया, पता नहीं इसमें थोड़ी थोड़ी हमारी मेथी ना उग भी रही थी। तो ये देखें ये हमारा जो बीज है ना, इसकी जड़ें जो है ना ये देखें ये निकल रही हैं, शुक्र है निकल रही हैं। ये देखें बारीक सी, और सुबह माँ ने इनको पानी भी दिया था। अरे ये भी उग रही है माँ, ये देखो ये सारी उग रही हैं, ये भी उग रही है, ये देखो अल्लाह करे उग जाए, हरी हरी हो जाए मेथी। चलो बंदा किसी चीज़ में काट के ही डाल देता है। और ये देखें ये इसके अंदर घुस के ना सारा तालाब में, ये समझ रहे भी तालाब है कीचड़ है ना, इतना मेरे लिए इसने काम बढ़ा दिया। अब बैठ का वैश होता बन के, चीनों से भी इसको डरना था और अब ये काम भी करना था। जाओ मैं कपड़े धोऊंगी ना, तो काम भी इसलिए टाइम भी ज़्यादा। रोटी पड़ी थी देखें, अभी भी चार बाट हो गई है, और मुर्गियों के पत्ते जो थे ना वो भी मैंने अंदर रखे हैं, क्योंकि भाई थे सारे पत्ते ना वो खराब कर देती हैं, इसलिए मैंने बाहर ही रख दिए। मुर्गियाँ जो है ना बड़े मज़े से ना पत्ते एक साइड के खा रही हैं, और मैं यहाँ आराम से अपनी मशीन को भी देख रही हूँ, कपड़े भी साथ साथ खंगाल सामने ड्रामे हो रहे हैं सारे। और मैं कपड़े धोते धोते मैंने कहा चलो मैं मगरिब से पहले पहले ना अपने कपड़े धो लूँगी, और मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्रायर भी है पड़ा मेरे पास। अल्लाह पाक जिसने भी ये मेरे मियाँ ने लेके दिया, अल्लाह पाक उनको बस दिल से दुआएं निकलती हैं। तो ये जो है ना चाय भी मेरी रेडी हो गई, मेरी माँ बोले माँ तो चल तू चाय बना के दे दे, और मेरी माँ ने साथ साथ ना शकरकंदी की चाट भी बना ली है, हम वो भी खा रहे हैं। मुर्गे बाज नहीं आते, मुर्गे अपने अजानों से। और ये फीकी कौन सी है माँ, ये वाली कम वाली ना। चलो अब हम पी रहे हैं चाय, और साथ ही साथ ना जिया क्या कर रहे हो, पल्लों को खिला रहे हो चाट। अब हम चाय पी रहे हैं, और साथ ही साथ ना इनके पापा की भी चाय बनी रखी है, आप ही पहले चाय पी रहे हैं, ठंडी हो जाएगी। खाना इधर पड़ा हुआ है, इस खाने को देख के ना ये सामने वालों की मुर्गियां भी इधर आ गई, और मैं इनको वहां भेज रही हूँ, क्योंकि इन मुर्गियों का जो गंध होता है ना वो नहीं सिमटा जाता, तो ये भी इधर नीचे आ गई हैं। पकड़ो वो तो चला जाएगा, तू ही मान चल चल तू भी जा, चल 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 जाओ पर जा, मैं तो इसको पकड़ लूँगा। मुर्गे का काम देखो, मुर्गे के भाई उसको कह रहे ना जा। खो गए और मैं ना कपड़े उतारती हूँ, और मुर्गा जो है ना ये देखें वो यही चाह रहा है कि मुर्गी यहाँ खड़ी रहे, और मुर्गा जो है ना वो उड़ के चला के मुर्गी खड़ी हुई है, अभी मेरे हाथ में भी नहीं आ रही ना जो मैं इसको उतारू। कपड़े भी उतार लिए, कपड़े रात धोते धोते मुझे 8 बज गए थे। तो ये अगले दिन का जो क्लिप है मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, हमारी वीडियो फुल वॉच किया करें, और जो मेरे बहन भाई नए हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और ये और जो मेरे नए बहन भाई हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।